कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कल तक हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताएं आप। कल तक हमने क्या पढ़ा था? तो कल तक हमने देखा था कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में क्या क्या कार्य किए गए, किनके द्वारा कहां पर रेलगाड़ी के डिब्बे के कनेक्शन काटे गए, तो किसके द्वारा कहीं पर टेलीफोन के तार काटे गए। ये सब देखने के बाद हमने ये भी देखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही 1942 में और क्या चीज़ें घटनी थी, तो रायपुर षड्यंत्र केस, इसके अलावा रायपुर डायनामाइट केस। इन सब चीज़ों के बारे में क्या किया था हमने, तो इन सब पारों में हमने एक विस्तृत अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं छत्तीसगढ़, ठीक क्या, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ का पांचवा भाग हम शुरू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? तो भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे। छत्तीसगढ़ के कौन से जो व्यक्ति हैं वो ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। कौन कौन से जो व्यक्ति हैं वो संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से, जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उससे निर्वाचित हुए थे, ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर दें। लगा लिया आंसर आपने? क्या लगाया है? तो देखें, हमको पता है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या किया गया है, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए क्या किया गया, तो भारत के अंतर्गत संविधान सभा बनाने का जो मांग किया जा रहा था उसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया कि भारत में जो संविधान का निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, जिसमें भारत के ही लोग क्या होंगे, शामिल होंगे, भारत के लोगों के द्वारा ही क्या किया जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। जब ऐसी क्या हो गई, घोषणा हो गई, उसके उपरांत जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, तो संविधान सभा में भारत के हर वर्ग के लोगों को क्या किया जाना था, शामिल किया जाना था, कांग्रेस के लोगों को शामिल किया जाना था, ब्रिटिश प्रांत के लोगों को शामिल किया जाना था, ठीक है, देसी रियासत के जो लोग थे उनको शामिल किया जाना था, महिलाओं को शामिल किया जाना था, ठीक है, दलितों के प्रतिनिधि के रूप में किसी को शामिल किया जाना था, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के रूप में किसी को शामिल किया जाना था। तो इस समय संविधान निर्माण में क्या किया जा रहा था, जो कांग्रेस है उसको मध्य प्रांत एवं बरार से क्या किए थे कांग्रेस ने, तो मध्य प्रांत एवं बरार से उसने टोटल 17 प्रतिनिधि क्या किए थे, तो संविधान सभा के अंतर्गत निर्वाचित किए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से 6 सदस्य शामिल थे। ठीक है, कितने सदस्य शामिल थे, तो छत्तीसगढ़ से 6 सदस्य शामिल थे। ठीक है, कितने सदस्य छत्तीसगढ़ से, तो 6 सदस्य छत्तीसगढ़ से क्या थे, तो छत्तीसगढ़ से 6 सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिसमें 3 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से, 3 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 3 सदस्य देसी रियासत से। ठीक है, कहां से, तो देसी रियासत से चुने जाने थे। तो जो 3 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे छत्तीसगढ़ में, उसमें रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से बैरिस्टर ठाकुर
छेदीलाल बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त होते हैं निर्वाचित। ठीक है, कौन निर्वाचित होते हैं? तो दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त निर्वाचित होते हैं। ठीक है, कहां कहां से? तो रायपुर, रायपुर से हमने किसको देखा? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, फिर कहां? बिलासपुर, बिलासपुर से बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, दुर्ग, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। इसके अलावा ये जो देसी रियासत है, इस देसी रियासत में सरगुजा से, सरगुजा से रघुराज प्रताप सिंह, रघुराज दीवान, प्रताप सिंह नहीं, रघुराज दीवान। ठीक है, राय बहादुर रघुराज दीवान। ठीक, कौन? तो रघुराज दीवान। कौन? रघुराज दीवान, रघुराज सिंह दीवान। कहां से? सरगुजा से। इसके अलावा रायगढ़, रायगढ़, रायगढ़ से पंडित किशोर त्रिपाठी, पंडित किशोर त्रिपाठी। इसके अलावा कांकेर, कांकेर से राम प्रसाद पोट्टई, राम प्रसाद पोट्टई, कांकेर से राम प्रसाद पोट्टई क्या होते हैं? तो कांकेर से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, कहां से निर्वाचित होते हैं? तो कांकेर से निर्वाचित होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखें क्वेश्चन, हम अपना क्वेश्चन बोल रहे हैं हमको कहां से, तो ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे कौन कौन? तो अभी हमने देखा पंडित रविशंकर शुक्ल कहां से, तो रायपुर से, ठाकुर छेदीलाल बिलासपुर से, और घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से निर्वाचित हुए। ठीक है, ई राघवेंद्र राव का निर्वाचन संविधान सभा में नहीं हुआ था। तो आंसर क्या होगा आपका? अ, स और द। ठीक है, तो डी क्या होगा आपका आंसर होगा? अ, स और द। क्लियर है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखें। अगला, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर से निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन हुआ था? छत्तीसगढ़ के सामंती नरेशों की ओर से किसका निर्वाचन हुआ था, यह आपको बताना है। रघुराज सिंह का, ठीक है, रघुराज सिंह दीवान यही है, किशोर मोहन त्रिपाठी, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, किसका जो निर्वाचन है वो सामंती नरेशों की ओर से हुआ था? तो इसका आंसर है आपका रघुराज सिंह दीवान। ठीक है, सरगुजा रियासत का क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और सरगुजा रियासत के साथ में जितने भी छत्तीसगढ़ के सामंती राजा थे उनका क्या कर रहे थे? संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कौन? रघुराज सिंह दीवान। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? जल्दी बताएं आप अपना आंसर। शिवदास डागा ने, पंडित लक्ष्मी नारायण दास ने, ठाकुर छेदीलाल ने, वामन राव लाखे ने? किसने रायपुर के गांधी चौक में झंडा फहराया था, यह आपको बताना है। जल्दी आंसर दें अपना। लगा लिया आंसर आपने? क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको? किसने गांधी चौक रायपुर में क्या किया था? झंडा फहराया था। तो हमको पता है कि कब आजाद हुए हम, तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे। क्लियर है, कब आजाद हुए थे? तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे। ठीक है, और आजादी के बाद जो छत्तीसगढ़ के नेता थे या मध्य प्रांत के अंतर्गत जितने नेता थे उन्होंने अलग अलग स्थानों पर क्या किया था? तो झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल ने, पंडित रवि शंकर शुक्ल ने, रविशंकर शुक्ल ने सीताबर्डी क्षेत्र नागपुर में झंडा फहराया, सीताबर्डी क्षेत्र नागपुर। ठीक है, कहां? सीताबर्डी क्षेत्र नागपुर में क्या किया इन्होंने? तो झंडा फहराया। वामन राव लाखे इन्होंने, वामन राव लाखे ने गांधी चौक
रायपुर में तिरंगा फहराया। आर के पाटिल जो कि इस समय खाद्य मंत्री थे, इनके द्वारा पुलिस लाइन रायपुर में झंडा फहराया गया। पुलिस लाइन रायपुर में क्या किया गया? झंडा फहराया गया। घनश्याम सिंह गुप्त जी ने गांधी चौक दुर्ग में झंडा फहराया। गांधी चौक दुर्ग में क्या किया था? इन्होंने झंडा फहराया था। इसके अलावा राम गोपाल तिवारी जो कि इस समय संसदीय सचिव रहते हैं, और ये तिवारी जी ने बिलासपुर में क्या किया था? तो तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, किसने? तो राम गोपाल तिवारी जी ने क्या किया था? तो बिलासपुर में तिरंगा फहराया था। क्लियर है? समझ में आ गया? और देखिए क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसने रायपुर के गांधी चौक में झंडा फहराया था? तो हमको पता है, हमने अभी देखा किसके द्वारा फहराया गया, तो वामन राव लाखे जी के द्वारा रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी जो है वो घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है? पहला बोल रहा है समुदा में राजनीतिक सम्मेलन 7-8 दिसंबर 1946 डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। अगला बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 13-15 दिसंबर 1946 भुवन भास्कर सिंह के द्वारा। तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946 मोहनलाल बाकलीवाल के द्वारा। और रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं हमको? कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक, हो सकता है ऊपर के तीनों को आप नहीं जानते हो, लेकिन चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि रायपुर के गांधी चौक में जो तिरंगा है वो 15 अगस्त 1947 को पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा क्या नहीं हुआ था? नहीं फहराया गया था। किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये जो झंडा है ये वामन राव लाखे जी के द्वारा फहराया गया था, अभी जस्ट हमने देखा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इसका आंसर हो जाएगा। रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना क्या? तो 15 अगस्त 1947 पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। क्लियर है? अगला, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था मुझे मोक्ष प्यारा नहीं मैं फिर जन्म लूंगा? ठीक है, किसने, किस स्वतंत्रता सेनानी ने यह कहा था कि मुझको मोक्ष प्यारा नहीं है मैं क्या करूंगा फिर से जन्म लूंगा? वामन राव लाखे ने कहा था, रामदयाल तिवारी जी ने कहा था, सुंदरलाल तिवारी ने कहा था, कि माधवराव सप्रे जी ने कहा था? ठीक है, तो यह जो कथन है कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है मैं फिर जन्म लूंगा, यह कथन है माधवराव सप्रे जी का। ठीक है, इनका कथन रहता है कि मैं मोक्ष पाकर क्या नहीं होना चाहता, दोबारा इस धरती में नहीं आकर स्वर्ग के उन सुखों का भोग नहीं करना चाहता, मैं बार बार इस धरती में आना चाहता हूं, बार बार अपनी भारत माता में जन्म लेना चाहता हूं, इसकी मिट्टी में खेलना चाहता हूं, इसकी मिट्टी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता हूं, और इस मिट्टी में ही क्या होना चाहता हूं, बार बार जन्म लेकर बार बार इसी मिट्टी में मिल जाना चाहता हूं। यह किसका कथन रहता है? तो माधवराव सप्रे जी का कथन रहता है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमने देखा था कि एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता रहते हैं। ठीक है, गरम दल के प्रमुख कार्यकर्ता रहते हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, देखा था हमने। ठीक है, देखा था कि नहीं देखा था? ठीक, कौन कौन सी पत्रिका जारी की गई थी माधवराव सप्रे जी के द्वारा, जल्दी बताएं आप, जल्दी बताएं कौन कौन सी पत्रिका जारी की गई थी माधवराव सप्रे जी के द्वारा, जल्दी बताएं आप कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको किसको? तो निम्न घटनाओं को, रायपुर जेल में डायनामाइट कांड, गांधी जी की इस राज्य में दूसरी भेंट, महासमुंद तमोरा का जंगल सत्याग्रह और कंडेल नहर सत्याग्रह, इसको क्या करना है आपको? काल के हिसाब से जमाना है, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और उसके बाद कौन।
ठीक है। तो रायपुर जेल के अंतर्गत डायनामाइट कांड कब होता है, तो 1944 में होता है, कल हमने पढ़ा था। ठीक, गांधी जी की दूसरी यात्रा कब, तो गांधी जी की दूसरी यात्रा 1933 में, महासमुंद तमोरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तमोरा जंगल सत्याग्रह महासमुंद के अंतर्गत कब होता है, तो महासमुंद के अंतर्गत जो तमोरा जंगल सत्याग्रह है ये हमने देखा था कि सितंबर 1930 में होता है। ठीक है, कब होता है, सितंबर 1930 में क्या होता है, महासमुंद के अंतर्गत तमोरा जंगल सत्याग्रह होता है। और कंडेल नहर सत्याग्रह जो है ये कब होता है, तो 1920 में होता है। ठीक, तो काल के हिसाब से अगर हम देखें तो 1920, 30, 33, 44, तो मतलब 4, 3, 2, 1 आंसर कहां पर दिख रहा है आपको, 4, 3, 2, 1 डी में दिख रहा है, तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर है, क्या होगा, तो यही आपका आंसर होगा। अगला, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे, ई राघवेंद्र राव जो है वो प्रथम बार कब मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको पूछा जा रहा है, 1923 में, 27 में, 29 में कि 36 में, कब प्रथम बार जो ई राघवेंद्र राव है वो मुख्यमंत्री बने थे ये आपको बताना है। तो जो ई राघवेंद्र राव है वो प्रथम बार 1927 में क्या हुए थे, तो मुख्यमंत्री बने थे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तैयारी आपकी सही चल रही है कि नहीं चल रही है ये बताएं आप मुझे पहले। ठीक, तैयारी करने के लिए आपको करना क्या है, अब आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपकी बनाकर चलनी, ठीक है, क्या करनी है आपको, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाकर चलनी है, किसके लिए, प्री को ध्यान में रखते हुए। पहला तो क्या करें, जो हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसके साथ लगातार आप बने रहें। दूसरा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, तो इसके अलावा जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप क्या करें, तो पिछले 10 साल का जो पीएससी का क्या है, जो अनसॉल्व पेपर है वो आप क्या करें, उठाएं और उस अनसॉल्व पेपर को आप क्या करें, लगातार सॉल्व करते हुए चलें। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको 10 साल का जो पेपर सॉल्व करने बोल रहा हूं उससे ही अभी 11वां साल में कोई आपको क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आ सकता है लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आ जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा आपको पीएससी का पैटर्न पता चलेगा कि पीएससी हर साल कैसे कैसे अपने आप को अपडेट कर रहा है। आज से 2 साल पहले वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा था, उससे 2 साल पहले तक वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, फिर वो क्या क्या चीजों को अपडेट कर रहा है, किन चीजों को वो आगे लेकर जा रहा है, कौन कौन से जो क्षेत्र है जहां पर पीएससी कॉन्स्टेंट रूप से एज इट इज क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारी चीजें क्या होंगी आपको समझ में आएंगी। तो आप क्या करें, पिछले 10 साल का एक अनसॉल्व पेपर उठाएं और उसको लगातार क्या करना शुरू करें, आप सॉल्व करना शुरू करें, जिससे क्या होगा प्रॉपर एक पेपर उठाएं, एक पेपर उठाकर आप 2 घंटे का समय दें उसको और 2 घंटे में आपसे जितना सॉल्व हो रहा है वो क्या करें आप लगातार सॉल्व करते हुए चलें। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, शुरू में आपसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होंगे, सही क्वेश्चनों की संख्या आपकी कम रहेगी, लेकिन लगातार आप उस चीज को करते रहेंगे लगातार अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो होगा क्या, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, आपको बार बार क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को बोलने में और क्वेश्चन को समझने में आपसे क्या गलतियां हो रही है ये आपको अभी ही पता चल जाएगा। ठीक, नहीं तो होता है हमसे, क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, फिर पूछ देता है कौन सा सत्य नहीं है, फिर हम ढूंढते रहते हैं सत्य और फिर हमको जानना रहता है कि अरे इसमें तो हमको असत्य कथन लगाना था। तो ऐसी सारी गलतियां क्यों होती है हमसे, तो ऐसी सारी गलतियां इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग क्या नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते ठीक से, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने के साथ में क्वेश्चनों को हम अच्छे से पढ़ते नहीं है, जिसके कारण क्या होता है हमारे साथ ये माइनर मिस्टेक होते हैं जो हमको प्री से ही क्या कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इसलिए आप क्या करते हुए चले, लगातार क्वेश्चनों को क्या करते हुए चले, पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर जब आंसर चेक करेंगे और कुछ चीज गलती रहेगी वहां पे तब आपको समझ में आएगा अरे इसको तो आंसर मेरे को पता था भाई, फिर भी मेरे क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गया करके मेरा आंसर गलत हो गया। ठीक, ये चीजें कब समझ में आएंगी आपको, जब आप बार 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 क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, तब क्या होंगी ये चीजें आपको समझ में आते जाएंगी, अपनी गलतियां आपको समझ में आती जाएगी और जैसे जैसे आपको अपनी गलतियां समझ में आती जाएगी वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। इसलिए लगातार आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही चलना है। ठीक, इसी सोच के कारण आपके लिए क्या लेकर आया गया है, टॉप एमसीक्यू सीरीज लेकर आया गया है, लेकिन इसके अलावा भी आप जो अपने आप से अपने लिए कर सकते हैं वो क्या है, तो जो मैंने अभी कहा वो आप अपने आप से अपने लिए कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये
आपके ऊपर है, आपके स्वविवेक के ऊपर है। आपको अच्छा लगे तो आप करिए, और नहीं लगे तो सर क्या बोल रहे हो फालतू, ये सारी चीजें मैं नहीं करना चाहता, तो मत करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। 1 जनवरी 1948 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, कि 1 नवंबर 1956 को। कब जो है वो छत्तीसगढ़ के जो देशी रियासत है उनको भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक, अब हमको पता है कि जब भारत आजाद होता है तो क्या रहता है, तो भारत के अंतर्गत जो ब्रिटिश प्रांत है, जो ब्रिटिश शासन द्वारा डायरेक्ट शासित क्षेत्र थे, वो क्या हो रहे थे, तो भारत सरकार को मिल रहे थे कि ये क्षेत्र क्या हम जा रहे हैं, अब आप स्वतंत्र हैं, ये क्षेत्र आपके हैं। लेकिन जो देशी रियासतें थी उनके पास क्या था, 3 ऑप्शन था। वो या तो क्या कर सकते थे, वो या तो भारत में रह सकते थे, या तो वो कहां जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, या तो वो स्वतंत्र देश रह सकते थे। ठीक, ये 3 ऑप्शन थे उनके पास। ठीक, अब ये जो हराम खोर थे अंग्रेज, ठीक है, ये जानबूझ के इन चीज को उलझाकर जाना चाह रहे थे। ठीक है, ताकि भारत आजादी के बाद भी क्या करता रहे, लगातार इन्हीं सब मुद्दों में उलझा रहे, उसका विकास क्या ना हो, सही से ना हो पाए, इनकी सारी जो ऊर्जा है वो क्या हो, इसी चीजों में लगी रहे। ठीक, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो भारत का लौह पुरुष बोलते हैं। उनकी ही दृढ़ इच्छा का परिणाम है, या उनके ही दृढ़ इच्छा का ये आज नतीजा है, जिसके कारण जो आज हमारा भारत है वो एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। ठीक है, नहीं तो फिर वही हम अभी छत्तीसगढ़ में ही क्या करते रहते, 4-5 अलग देशों की यात्रा करते रहते, है ना। बस्तर देश से होकर हम कहां पर आ जाते, कांकेर देश में आ जाते, कांकेर देश से राजनांदगांव देश में आ जाते, राजनांदगांव देश से दुर्ग देश होते हुए हम रायपुर देश पहुंचते। ठीक, ये स्थिति बनती किसकी, भारत की। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हुई है, ठीक है, या ऐसी स्थिति नहीं आई है हमारे साथ, इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको है, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय कौन, तो हमारे आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये देन है कि आज क्या है, भारत संपूर्ण एक है। ठीक है, उन्हीं के ही नेतृत्व में सभी देशी रियासतों को क्या किया गया था, तो भारत के अंतर्गत शामिल किया गया था। आगे अभी जब आप संविधान पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि संविधान सभा के अंतर्गत जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्य चलते रहते हैं, ठीक है, जब जैसे भारत आजाद होता है, भारत आजाद के बाद कैसे उनके द्वारा एक राज्य मंत्रालय का गठन किया जाता है, उस राज्य मंत्रालय में प्रमुख सचिव के रूप में वीपी मेनन के क्या क्या कार्य रहे हैं, ठीक, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे आप, अभी आगे आपके जो पॉलिटी के क्लास होंगे उसमें आप विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, क्या स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, तो स्वतंत्रता के पश्चात 1 जनवरी 1948 को क्या किया गया था, तो भारत गणराज्य के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत सभी छत्तीसगढ़ की रियासतों को 1 जनवरी 1948 को सम्मिलित कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया था। देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया था, दिग्विजय सिंह जी ने, भानु प्रताप सिंह जी ने, रानी जयंती देवी ने, कि धर्मराज सिंह ने, किसने हस्ताक्षर किया था, किसमें, तो राजनांदगांव रियासत से। तो जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय राजनांदगांव रियासत के राजा रहते हैं कौन, दिग्विजय सिंह जी। ठीक है, कौन रहते हैं राजनांदगांव रियासत के राजा, दिग्विजय सिंह जी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी क्या रहते हैं, अल्पवयस्क रहते हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह जी के स्थान पर रानी जयंती देवी के द्वारा क्या किया गया था, तो रानी जयंती देवी के द्वारा जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर किया गया था, किसके द्वारा, तो रानी जयंती देवी जी के द्वारा। क्लियर है। अगला, पूर्व काल में पंडरिया एस्टेट का नाम क्या था, मुक्तापुर प्रतापगढ़, पंडरी फॉरेस्ट, कुंडेरी, सहसपुर लोहारा, क्या कहा जाता था पंडरिया एस्टेट को पूर्व काल में। ठीक है, तो पूर्व काल के अंतर्गत
ये जो पंडरिया एस्टेट है इसको मुक्तापुर प्रतापगढ़ कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? तो मुक्तापुर प्रतापगढ़ कहा जाता था। क्लियर है, समझ में आ गया? अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सन 1948 में दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई थी? ठीक है, कौन सी जो रियासत थी वो सन 1948 में दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई थी? कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव की बालोद। ठीक है, 1948 में किस रियासत को क्या नहीं किया गया था, तो दुर्ग जिले में नहीं मिलाया गया था, ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है आपका बालोद। ठीक है, किसको? तो बालोद को क्या नहीं किया गया था, तो दुर्ग जिले में नहीं मिलाया गया था। अब इसका कारण आप बताएंगे मुझे, ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि क्यों नहीं मिलाया गया था। ठीक है, इसका एग्जैक्ट कारण आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। अगला, छत्तीसगढ़ की करद रियासतों के भारतीय संघ में संविलियन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? छत्तीसगढ़ की करद रियासतों के भारतीय संघ में संविलियन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको पूछा जा रहा है। संविलियन की प्रक्रिया 1 जनवरी 1948 को पूर्ण हुई। दूसरा, संविलियन में पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान था। तीसरा, सभी रियासतों के शासकों ने संविलियन पत्र में हस्ताक्षर किए। चौथा, बस्तर रियासत को इस संविलियन में शामिल नहीं किया गया था। कौन सा जो कथन है वह असत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो संविलियन की प्रक्रिया है वो 1 जनवरी 1948 को पूर्ण हुई थी, बिल्कुल सही कथन है ये। 1 जनवरी 1948 को क्या कर लिया गया था, तो छत्तीसगढ़ के सभी 14 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। क्लियर है, समझ में आ गया? इसके बाद, संविलियन में पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान था। बिल्कुल, पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या थे, सबसे बड़े सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे, जिनके द्वारा क्या किया जा रहा था, छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय के लिए समझाया जा रहा था। आप क्या करें, भारतीय संघ में शामिल हो, भारतीय संघ में शामिल होकर एक देश के रूप में हमको क्या होना है, एक देश, श्रेष्ठ देश के रूप में हमको अस्तित्व में आना है। ऐसा कार्य यहां पर किसके द्वारा किया जा रहा था, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा किया जा रहा था। सभी रियासतों के शासकों ने संविलियन पत्र में हस्ताक्षर किए, यह कथन भी बिल्कुल सही है। सभी 14 रियासतों के शासकों ने क्या किया था, तो संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किया था। क्लियर है, बस्तर रियासत को इस संविलियन में शामिल नहीं किया गया, यह कथन गलत है और यही सही होगा आंसर आपका। बस्तर रियासत के अंतर्गत जो महाराजा प्रवीरचंद भंसदेव जी थे उनके द्वारा क्या किया गया था, तो संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था और उन्हीं के स्मृति में क्या दिया जाता है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, तो तीरंदाजी के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है, तीरंदाजी के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। क्लियर है। अगला, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा, यह कथन किसका है? ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक रहा व अनिवार्य रहा, यह कथन किसका है? मिस्टर जेनकिंस का, रिचर्ड टेम्पल का, मिस्टर चिशम का, मिस्टर एगन्यू का, किसका है यह कथन, जल्दी बताएं आप। लगा लिया आंसर आपने, क्या आंसर लगाया है? ठीक, यह कथन किसका है कि भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जो जमींदारों का अस्तित्व है वह नैसर्गिक व अनिवार्य रहा है, यह जो कथन है ये मिस्टर जेनकिंस का है। ठीक है, किसका है, मिस्टर जेनकिंस का है। ठीक, मिस्टर रिचर्ड टेम्पल के बारे में अभी चर्चा करता हूं मैं। मिस्टर चिशम के बारे में हमने देखा था कि ये क्या थे, तो 1868 के अंतर्गत मिस्टर चिशम जो कि क्या थे, एक सेटलमेंट ऑफिसर रहते, ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफिसर, जिनके द्वारा राजस्व पुस्तिका को आधार मानकर क्या किया गया था, तो छत्तीसगढ़ को शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में बांटा गया था। एगन्यू के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा ही है। ठीक, अब ये रिचर्ड टेम्पल जो थे ये कौन थे, तो रिचर्ड टेम्पल के द्वारा सन 1862 में 1862 में क्या किया गया था, तो छत्तीसगढ़ के जमींदारों की स्थिति के लिए एक सर्वेक्षण कराया गया, जिस सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़
ठीक है क्या आपका? तो जो छत्तीसगढ़ है उसके अंतर्गत जो 14 जमींदार थे उनको सामंतीय राजा या रियासत प्रमुख के रूप में दर्जा दिया गया और शेष को सामान्य जमींदारों की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, तो जो 1862 में रिचर्ड टेंपल के द्वारा क्या किया गया, रिचर्ड टेंपल, रिचर्ड टेंपल इन्होंने क्या किया, तो 1862 में जमींदारों की स्थिति के लिए क्या कराया, इन्होंने सर्वेक्षण कराया। ठीक है, और इस सर्वेक्षण के अनुसार 1865 में, कब 1865 में क्या किया गया, तो छत्तीसगढ़ के 14 जमींदारों को क्या दिया जाता है, तो रियासत प्रमुख या सामंतीय राजा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, किसका दर्जा दिया जाता है, रियासत प्रमुख या सामंतीय राजा या प्यूडेटरी चीफ का क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। तो ये 14 रियासत थे, ठीक है, इसमें इन 14 रियासतों में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो 14 रियासत है इसमें 9 रियासत, ठीक है, कितने रियासत, 9 रियासत हिंदी भाषी थे। ठीक है, कैसे थे 9 रियासत, तो 9 रियासत हिंदी भाषी थे। कौन कौन से थे ये हिंदी भाषी रियासत, तो सबसे पहला आपका बस्तर, ठीक, बस्तर के बाद क्या, कांकेर के बाद क्या आपका, तो राजनांदगांव। ठीक है, इसके अलावा राजनांदगांव तक आ गए, फिर खैरागढ़, छुई खदान, ठीक है, छुई खदान के उपरांत कवर्धा, इसके अलावा रायगढ़, सारंगढ़ और शक्ति। ठीक है, ये सब क्या थे, तो 9 आपके क्या थे, तो 9 आपके इन 14 रियासतों में 9 जो क्या थे आपके, तो हिंदी भाषी रियासत थे। इसके अलावा 5 उड़िया भाषी रियासत क्या थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो 5 रियासत थे वो क्या थे आपके, उड़िया भाषी रियासत थे। तो उड़िया भाषी रियासतों में क्या आपका, तो हमने देखा था सोनपुर, कालाहांडी और क्या था आपका, पटना रायखोल और बांबरा, ये क्या थे, तो 5 उड़िया भाषी रियासत थे। फिर हमने देखा था कि 1905 में क्या किया जाता है, जब बंगाल विभाजन होता है, भाषाई आधार पर बंगाल का विभाजन हो जाता है, उसी के साथ ही भारत के अंतर्गत सभी जगहों पर क्या किया जाता है, प्रशासनिक पुनर्गठन होता है, जिसमें मध्य प्रांत के अंतर्गत भी क्या किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, प्रशासनिक पुनर्गठन होता है जिसके तहत बंगाल प्रांत के, ठीक है, कहां से, बंगाल प्रांत के उड़िया प्रांत में या उड़ीसा राज्य में क्या किया जाता है, संबलपुर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संबलपुर जिले के अंतर्गत इन 5 रियासतों को क्या किया जाता है, उड़ीसा भेज दिया जाता है। चलो जाओ भाई, उड़िया बोलते हो आप लोग, उड़ीसा जाओ। ठीक है, और उसी उड़ीसा क्षेत्र से या छोटा नागपुर क्षेत्र से जो 5 रियासतें थी, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में शामिल किया जाता है। कौन कौन से रहती है वो 5 रियासतें जो 1905 में क्या होती है, छत्तीसगढ़ में शामिल होती है, तो हमने देखा था सरगुजा के अलावा क्या, जसपुर, उदयपुर, कोरिया और चांगबखार, ये सारी रियासतें क्या होती है, तो ये रियासतें 1905 में छत्तीसगढ़ में आ जाती है। और 1905 में ही छत्तीसगढ़ की ये 5 रियासतें, साथ में आपका कौन सा जिला, तो संबलपुर जिला। इस संबलपुर जिले के साथ ये जो 5 रियासतें हैं, ये 1905 में कहां चले जाता है, तो 1905 में ये आपका उड़ीसा में चले गया।
और छोटा नागपुर क्षेत्र से ये पांच रियासतें क्या हो जाती है, छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाती है। क्लियर है, आंसर तो हो गया ये अपना। ठीक, इसको आप अच्छे से देख लें और इसको याद रखें कि कौन कौन सी नौ हमारे पास क्या थी, हिंदी भाषी रियासतें थी, फिर कौन सी उड़िया भाषी रियासतें थी, इन उड़िया भाषी रियासतों को क्या कर दिया 1905 में उड़ीसा भेज दिए, फिर छोटा नागपुर क्षेत्र से 1905 में इन पांच रियासतों को क्या कर लिए हम, तो छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिए। जिसके उपरांत जो वर्तमान का हमारा अभी छत्तीसगढ़ का जो मैप बनता है वो इसी के बाद तैयार होता है। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा क्या किया जाता है, छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान मैप है वो तैयार किया जाता है। क्लियर है। अगला, छत्तीसगढ़ की रियासतों में जनसंघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और ठाकुर प्यारे लाल सिंह, कौन जो थे वो काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे। जल्दी बताएं आप अपना आंसर, लगा लिया आंसर आपने। तो जो छत्तीसगढ़ था उसमें छत्तीसगढ़ के रियासतों के संविलियन हेतु छत्तीसगढ़ में काउंसिल ऑफ एक्शन, ठीक है, क्या काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट का गठन किया गया था। ठीक है, किसके लिए, तो छत्तीसगढ़ के रियासतों के, ठीक है, किसके लिए, छत्तीसगढ़ के रियासतों के भारतीय संघ में संविलियन के लिए क्या किया गया था, तो काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठीक है, और इसके सचिव रहते हैं, ठीक है, कौन सचिव, जय नारायण पांडे। ठीक है, कौन, जय नारायण पांडे, जय नारायण पांडे जी क्या रहते हैं, इसके काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के सचिव रहते हैं। क्लियर है, क्या रहते हैं, सचिव रहते हैं। क्लियर, इस तरह भारत आपका क्या हो गया, आजाद हो गया, भारत की आजादी के साथ भारतीय संघ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय हो गया। आगे जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं इतिहास के अंतर्गत, जिसमें जनजातीय विद्रोह हो गया और किसान और कौन सा आंदोलन, आपके मजदूर जो आंदोलन है, इनके लिए क्या करेंगे, आगे हम कल एक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, क्लियर है, जब तक अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।